उभरता हुआ भारत बहुत लोगों की आंखों में खटकता है उनका सामान नहीं बिकेगा भारत खुद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा भारत दूसरी जगह से पैसे अब लॉकिड मार्टिन या बाकी जो कंपनियां हैं वहाँ पे हैं उन लोगों से आने वाले दस वर्षों में हमारा रोड रोड मैप है कि हम उनसे नहीं लेंगे हम खुद यहाँ पर आर में पैसे लगाएंगे हम यहीं पर बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ें हो रही है तो वो इनको अलग अलग आयामों में भारत की जो स्थिति प्रबल हो रही है हाल ही में ये डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है वहाँ पर भी एक व्यक्ति ने बोला कि आप देख लेना कि अगले 10-20 वर्षों में भारत जो है लीडिंग इकोनमी होगी वर्ल्ड की मिडिल ईस्ट भी अब भारत का यू यूज करने जा रहा है डॉलर पेट्रो डॉलर और ये सब की नोटंकी जो चलती थी कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है उसमें भारत अब आगे बढ़ करके रूपी को इंटरनेशनल करेंसी या दो देशों के बीच रूपी रूबल ट्रेड करके रूपी दिनार या रियाद का स्ट्रेट करके ऐसे करके ये बनाना आगे बढ़ना चा, चाह रहा है भारत तो ये तो एक बूस्टर डोज है मोदी के लेकिन नहीं बोलेगा अरे हमको तो ऐसा ही मोदी चाहिए लोग तो अब क्लिप को कोट करके ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमें यही मोदी चाहिए एकदम 2002 का मोदी उसको उन्हीं की भाषा में आ, उत्तर देता है तो यही लग रहा है कि ये जो है इनका शौर्य का के के मेनन का लास्ट स्पीच जो है वो वाला मोमेंट है और मोदी को इस डॉक्यूमेंट्री से फायदा मिलेगा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा लें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के साथ जो है मिल जाए और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोज बनाते रहें तो इन नंबरों के माध्यम से हमारी सहायता भी आप कर सकते हैं आइए आरम्भ करते हैं नमस्कार दोस्तों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर जो नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी है और ब्रिटेन में रिलीज हुए है। भारत में उसको अभी देखा नहीं जा सकता अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी वी की मदद लेकर देख सकते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के एक घंटे को बर्बाद ना करें और उसमें भी पॉज करके अगर देखेंगे तो ज़्यादा ही बर्बाद हो जाएगा क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक नरेंद्र मोदी हो या भारत हो उस पर हिट जॉब्स की जो एक लंबी श्रृंखला पूर्व नियोजित श्रृंखला चली हुई है उसी का एक मतलब उसी की एक अगली कड़ी है और इसके इतर आप इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नहीं पाएंगे इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के 2002 के गोधरा के बाद जो दंगे हुए थे उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है ये इनका मूल मतलब ध्येय वाक्य लेकर ये चल रहे हैं और उसके अराउंड जो है उन्हीं यूजुअल सस्पेक्ट्स को कि हिरन पांड्या मर्डर केस हो गया संजीव भाट का ले तीस्ता से तलवार हो गया ये पांच-छह लोगों का मतलब कमेंट्री लेकर के और अपने मतलब आप सोचिए कि यूके ने ब्रिटेन ने इन्वेस्टिगेट किया है ब्रिटेन क्यों इन्वेस्टिगेट करेगा उसका क्या लोकस है इस पर एक विदेशी राष्ट्र जो है उसके राजनयिक जो यहाँ पर पोस्टेड हैं वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट क्या यह उनके उत्तरदायित्व में आता है तो फिर और देखिए कि इसकी आप टाइमिंग देखिए टाइमिंग जब आप देखेंगे तो क्या 2022 है ये कि मान लीजिए कि हाँ 20 वर्ष बीस वर्ष हो गए तो उसकी बरसी ये मना रहे हैं उसमें दिखाना चाह रहे हैं नहीं क्या उस दंगों पर अभी कोई रिपोर्ट आई है क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लीन चिट दिया है नहीं वो भी एक डेढ़ साल पहले दे चुके हैं क्लीन चिट तो इसकी टाइमिंग जो है सस्पेक्ट लगती है और सस्पेक्ट इन द सेंस कि अब दूसरा देखें कि गोधरा वाला हिस्सा तो हम छोड़ देते हैं कि गोधरा से क्या रिलेशन है जो अभी आया है अब जैसे 19 जनवरी है तो इनको कश्मीर के ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजनी चाहिए थे और उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते तो समझ में आता क्योंकि 19 जनवरी बीती है तैंतीस साल हो गए हैं गोधरा का अभी के समय में जब भारत जी ट्वेंटी होस्ट करने जा रहा है जब भारत में अगले वर्ष चुनाव हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है जब भाजपा की सरकार या एन सरकार जो है अलग अलग वैश्विक मंचों पर जाकर रूस को लेकर के उसको डिफेंड करती है रूस से अपने एनर्जी नीड्स को लेना और यूक्रेन के साथ खड़ी नहीं दिखती है जैसा कि वेस्टर्न और अमेरिकन जो है नेशंस वो चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट पर से अमेरिकी और यूरोपीय कंट्रोल जो है नियंत्रण छूटता जा रहा है और मिडिल ईस्ट भी अब भारत का यू यूज करने जा रहा है डॉलर पेट्रो डॉलर और ये सब की नोटंकी जो चलती थी कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है उसमें भारत अब आगे बढ़ कर के रूपी को इंटरनेशनल करेंसी या दो देशों के बीच रूपी रूबल ट्रेड करके रूपी दिनार या रियाद का ट्रेड करके ऐसे करके ये बनाना आगे बढ़ना चाह रहा है भारत जिसमें डॉलर की डिपेंडेंसी जो है डॉलर एक एक कमोडिटी के रूप में जो बाकी राष्ट्रों को खरीदना पड़ता है डॉलर अपने रिजर्व्स को ये करने के लिए उसको सही रखने के लिए इन सब चीजों पर भारत जो है दूसरी दिशा में जा रहा है और भारत अमेरिकी या वेस्टर्न या यूरोपियन विदेश नीति के हिसाब से नहीं चल रहा है कि तुम्हारी विदेश नीति हम तय करेंगे ऐसे समय में नरेंद्र मोदी पर एक नहीं कई हमले जो है प्रायोजित कराए गए उसी के श्रृंखला में ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है अब हम इस डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ क्लेम्स किए गए हैं उन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस पर जो है द हॉका एक करके एक ट्विटर हैंडल है उसने विस्तार से लिखा है उन्हीं में से कुछ बिंदुओं पर हम भी चर्चा करेंगे एक तो इनका डॉक्यूमेंट्री ओपन ही होती है वो हरिद्वार धर्म संसद जो दो में हुई है वहाँ से ये आरंभ होती है मतलब कि 2022 में जो हुआ उसको ये रिलेट कर रहे हैं 2002 में जो दंगे हो चुके हैं उसके ऊपर ये कुछ वैसा है जैसा रोमिला थापर ने कहा कि युधिष्ठिर कहीं ना कहीं अशोक की नीतियों से प्रभावित था तो इनका उसी तरह से हिला हुआ है, मतलब टाइमलाइन ये लोग बैक एंड फोर्थ चलते रहते हैं इनके लिए इतिहास या समय जो है हम जिस समय में वो लीनियर नहीं है वो वो जो है बैक एंड फोर्थ चलता है वो अलग किसी दूसरे डायमेंसन में ये लोग रहते हैं तो आप सोचिए कि सत्ताईस फरवरी दो को जो हुआ उसका रिलेशन हरिद्वार में धर्म संसद में जो कहा गया उससे किस तरह से है उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें किस किस से पूछा गया है इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो एंटी मोदी ब्रिगेड के लोग जो रहे आकार पटेल तीता से तलवार हो गए संजीव भाट हो गया सिंह बाल हो गया कुछ ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो सस्पेक्ट हैं जो जर्नलिस्ट आप निष्पक्ष उन्हें कह नहीं सकते हैं जिनके पूरे जीवन का एक ही ध्येय था कि किसी तरह से इन दंगों को जो मुसलमानों ने आरंभ किया था उसको पिन किया जा सके नरेंद्र मोदी के ऊपर तो वही यूजुअल सस्पेक्ट्स का आप देखेंगे और वैसे किसी भी व्यक्ति का मतलब अगर आप पांच ऐसे लोगों का क्लेम ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मोदी का हाथ था तो पांच आपको वैसे भी लोग लेने होंगे जो कहेंगे कि नहीं जो दूसरे स्पेक्ट्रम के हैं आप अगर लेफ़्ट विंग का ले रहे हैं तो राइट का भी लीजिए ऐसा नहीं किया गया यूजली टिल्टेड है और उसमें भी इसमें ओपिनियन कैसे आ जाता है किसी का फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं तो फैक्ट्स पे बात करो ना क्या कोई एविडेंस दिया है कोई एविडेंस कहीं नहीं है लोगों को बिठाकर सिर्फ बोला गया है और कुछ प्रिंटेड मटेरियल है जिसकी संस्तुति किसी ने नहीं की है वो इन्होंने घर में ही अपना टाइपराइटर पे छाप दिया है और उसी में से वो आफ्टर इफेक्ट्स का प्रयोग करके दिखा रहे हैं एकदम हवा में वायलेंस और ये और नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आर एस एस बी एच पी ये सारे वर्ड्स आपको फ्लोट करते हुए इन डॉक्यूमेंट्री में दिखेंगे गोधरा जो कि प्रत्यक्ष उत्तरदायी था गोधरा में जो ट्रेन को जलाया गया उसके ऊपर एक पासिंग कमेंट्री है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई उसको कह दिया गया कि नहीं ये एम्बिगुअस है वो कैसे जला है एम्बिगुअस है फिर भी मान लेते हैं एम्बिगुअस है उनसठ कार सेवक मरे सारे के सारे हिंदू थे और उस ट्रेन के आसपास जो लोग थे वो मुसलमान थे तो फिर इसमें आप कम से कम जिस तरह से तुम्हारा जैक स्ट्रॉ जो है जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे वो पूरे एकदम शिद्दत के साथ बोल रहा है कि नहीं मैं मानता हूँ कि मोदी जो है पूरी मतलब हर एक चीज़ उसकी तरफ इशारा कर रही है कि मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था तो तुम्हें क्या यहाँ पर नहीं दिखा हिंदुओं के कारसेवकों से भरी हुई एक बॉगी उसी बॉगी में आग लगती है उसके आसपास कौन है मुसलमान लोगों की भीड़ है तो इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करने में मतलब किस तरह की समस्या आ रही है गोधरा पर इन्होंने बस ऐसे ही कि हाँ ठीक है मतलब कुछ हुआ था और वो उस पर तो चर्चा मतलब नहीं होनी चाहिए हम कुछ और पे चर्चा करते हैं आप सुनिए कि आकार पटेल ने क्या कहा है आप सुनिए कि एहसान जाफरी के घर वाले क्या करें फलाना डिम का इस तरह से इन्होंने अप्रोप्रिएट करने की चेष्टा की है उसके बाद डॉक्यूमेंट्री का मूल आधार जो केंद्र बिंदु है कि क्यों ये मोदी को रिस्पांसिबल मानते हैं वो जैक स्ट्रॉ नाम का एक व्यक्ति है जो कि उस वक्त फॉरेन ऑफिस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था और उसने जो रिपोर्ट बनाई है और वो आदमी बीस इक्कीस साल के बाद कैमरे पे आके कुछ कह रहा है उसको पूरा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पीकिंग ऑन कैमरा अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपन जो भी है ये ये कह करके और जैक स्ट्रॉ जो है एक संदिग्ध व्यक्तित्व तो है जैक स्ट्रॉ पे तो मैं पूरा एक बिंदुवार उसका विश्लेषण करूंगा आगे कि वो किस तरह से उसका चरित्र जो है संदिग्ध है तो ऐसे आदमी को इन्होंने मूला और देखिए कि जैक स्ट्रॉ ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया है वो बस वही कि यहाँ पे ये हो गया और मुझे पता चला कि लोगों ने ये बताया कि मोदी ने कह दिया कि तीन दिन के लिए जो है कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी फला करेगी। वही कॉन्काटेड बुलशिट जो वेस्ट वाले और जो मुस्लिमों की एक लॉबी जो है लगातार चलाती रही उसी पे ये भी जैकस्ट्रॉन ने बस ये लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे जो है अंग्रेजी में थोड़ा बोल रहा है कोट कोट पैंट पहन के जो है बैठा हुआ उससे इतर कोई भी वेट आपको उस डॉक्यूमेंट्री में इस व्यक्ति के कथनों में नहीं मिलता है इसका खंडन जो है उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे ये कमल सिब्बल साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया वो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे देखें उन्होंने लिखा है कि जब यूके मिशन मतलब जो यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन का जो ये ये लोग जो नौटंकी कर रहे थे जैक्स्ट्रा जो कर रहा था कि फैक्ट फाइंडिंग टीम और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया तो बोले कि हम अवेयर थे कि ऐसा कुछ हो रहा है और एक हाईली स्लैंटेड रिपोर्ट स्लैंटेड मतलब होता है झुकाव के साथ और मतलब एक तरह से कंकॉक्टेड मिला जुला अपने हिसाब की चीज़ों को प्रूव करने वाला उस तरह से एक झुकाव के साथ जो है रिपोर्ट वो पुश किया जा रहा है और बाकी देशों के लोगों को या फॉरेन जर्नलिस्ट को वो रिपोर्ट पकड़ाई जा रही है कि आप इसी थीम पर इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ये फॉरेन ऑफिस को हमारे पता था उस वक्त भी और उन्होंने उस वक्त ही हर आदमी को बता दिया था वहाँ पे जो भी उस तरह के रिलेटेड लोग थे जो भी अधिकारी थे उनको बता दिया गया था कि इस तरह की नौटंकी चल रही है और यूके को इन्फॉर्म किया था कि भाई आप हमारे आंतरिक मामलों में आंतरिक विषयों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप ना करें आप ये नोटंकी जो है बंद कीजिए उसके बाद वही जाफरी हरेन पांड्या हो गया संजीव भट्ट श्री कुमार और ये सब जो है इनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया जो कि अब इतनी देर से ये लोग लेके आए तो कम से कम एस की रिपोर्ट ये लोग पढ़ लेते या इन्हीं लोगों के बयान तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं हाई कोर्ट ने भी सुना है सैकड़ों लोगों के हज़ारों घंटों के बयान दर्ज हैं ऑन रिकॉर्ड उसके बाद क्लीन चिट दी गई है एक बार नहीं कई बार मोदी को और उसकी गुजरात की सरकार को कि नहीं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था मोदी ने पड़ोस के राज्यों से एडिशनल फोर्स बनाने बुलाने की बात की थी जहाँ तक हो सकता था कंट्रोल करने की चेष्टा की लेकिन आप जानते हैं कि दंगों के लिए तैयार अगर कोई बैठा हुआ हो जैसा कि दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में हुआ था कि दो महीने से तैयारी करके बैठे हुए थे छतों पे पत्थर और एसिड के पौध जमा करके बैठे हुए जो लोग जो समुदाय दंगों की तैयारी करके बैठा रहता है उसको रोकना जो है बहुत मुश्किल होता है दिल्ली में जब तीन दिन तक दंगे चलते रहे तो गुजरात तो फिर भी एक स्टेट है दिल्ली तो सबसे सेंसिटिव जगह है दिल्ली में हर तरह की मतलब फ़ौज है यहाँ पर अर्धसैनिक बल होते हैं दिल्ली पुलिस होती है खुफिया तंत्र पूरा लगा हुआ होता है सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो जगह है वहाँ पर जब तीन दिन तक दो, दो तीन महीने की प्लानिंग के साथ दंगे किए जा सकते हैं तो गुजरात तो फिर भी बहुत दूर है दिल्ली से तो वहाँ पर क्यों नहीं होंगे और वहाँ पर पुलिस कैसे कंटेन कर लेगी इन लोगों को क्या पुलिस को दंगों में अपनी जान जाने का ख़तरा नहीं होता वो लोग क्या आदमी नहीं है वो वो क्या मतलब बॉस्टन डायनमिक्स के रोबोट हैं क्या कि वो जो है अपना सिन्हाान के आगे चले जाएंगे और वहाँ पर मुसलमान जो है पत्थर फेंक रहा है मसाले लेके आग लगा रहा है घरों में घुस के लोगों को मार रहा है तो वहाँ पे क्या करते पुलिस तो ये एक वही हैवली टिल्टेड नैरेटिव जो है वो दिखाने की चेष्टा की गई है और कोर्ट का जो भी डिसीजन रहा है मतलब ये सबसे अपॉलिंग चीज़ है कि जब तुम 2023 में डॉक्यूमेंट्री दे रहे हो 2022 में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन क्यों नहीं है उन लोगों से बात क्यों नहीं करने की कोशिश की गई तुम ये आर्काइवल फुटेज और फलाना वही मतलब कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसके घर वाले जो है उसके पुराने एल्बम फलाना डिमका से लेके कुछ बना रहे हैं और उसके बाद जो है एक एक फैमिली को मूवी दिखाई जा रही है तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है इसका और कोई भी मतलब जो है मुझे मतलब नहीं दिखता है अब बात आती है कि क्या ये एक डस्परेशन है या फिर लॉन्ग टर्म एजेंडा है अब मुझे लगता है कि डिस्परेशन तो डस्परेशन है इन द सेंस कि हर जगह से वामपंथियों का वर्चस्व जाता हुआ दिख रहा है आप देख लें कि अमेरिका में क्या हालत है यूरोप के कई राष्ट्रों में दक्षिण पंथी या राइट विंग जो है एक्सट्रीम राइट विंग के लोग वो भी चुन चुन कर आ रहे हैं और लोग जो है डीप स्टेट कह लें या लेफ्टिस्ट इंक्लाइन मीडिया है या इस्लामिक नैरेटिव से पक चुके हैं खास करके यूरोप के लोग उनको सब कुछ दिख रहा है कि भाई ब्रुसेल्स में अलाउ अकबर बोल के चाकू मार रहा है आदमी बेल्जियम में जो है बम फोड़ रहा है नीस में हमला कर रहा है इटली में कर रहा है बार्सिलोना में कर रहा है मैड्रिड में कर रहा है मैनचेस्टर की गलियों में कर रहा है बर्मिंगम में कर रहा है हर जगह पर इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं और वो कौन कर रहा है जब आम आदमी सड़कों पर आने लगता है जब प्रश्न पूछने लगता है तब आप डिस्परेट तो होंगे ही और उसके बाद एक उभरते हुए राष्ट्र को जो एक वैश्विक शक्ति बनकर उभर रही है उसको जब आप देखते हैं आगे बढ़ते हुए तब आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि भारत में आप एक तरह से ये जो वोक लोगों का कैंसिल कल्चर है ना वो ये लोग पुश करना चाहते हैं कि जी ट्वेंटी होने जा रहा है या भारत अभी भी कोविड को लेकर इतना दुष्प्रचार हुआ उसके बाद भी इकोनॉमी हमारी सही है बाकी जगह पर रिसेशन है बाकी जगह आप देख लें कि फिजिकल डेफिसिट उनका कितना है उन्होंने जो वैक्सीन बनाए थे फाइज़र वालों ने उसके कारण लोग मर रहे हैं भारत में तो इस तरह का कुछ है नहीं तो ये सारी चीज़ें कि इंफॉर्मेशन को दबाया गया ट्विटर के साथ कॉल्यूड किया फ़ाइज़र वालों ने ट्विटर के साथ एफबीआई बी ने सी ने सब ने कंट्रोल करने की चेष्टा की आज भी आप यूट्यूब पर वैक्सीन के बारे में कुछ भी गलत बोल दीजिए तो आपका जो है वीडियो जो है वो हटा देंगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है आप केवल प्रश्न भी पूछेंगे तब भी तो जब आपकी लड़ाई जो है इस तरह के एक समूह से है तब आप कैसे जीतेंगे और उसमें भारत जीत गया भारत के चिताओं को दिखाया गया भारत के बैड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई भारत में बताया गया कि गंगा जी में लाशें बहाई जा रही हैं सब के सब प्रपंच और झूठ उसके बाद भी भारत जब इनको खड़ा दिखता है ये लोग इस आशा में थे कि भारत जो है बर्बाद हो जाएगा इटली जैसे राष्ट्र की जो विश्व में सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है वो मतलब बर्बाद हो गया टूट कर बिखर गया उसके यहाँ ताबूतों के लिए लकड़ियों की कमी पड़ने लगी तब इनको लग रहा था कि भारत तो बचेगा नहीं लेकिन आप देखें कि चाहे भारत हो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो ये सब जो भी कंट्रीज हैं जो इस तरह का साउथ एशियन कंट्री कल के क्लब किया जाता है उसमें आप देखिए कि इन लोगों ने कोविड के समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वहाँ पर उतनी डेथ्स नहीं हुई जितनी वीक इम्यूनिटी वाले गोरे लोगों की हुई तो इनका कोई भी नैरेटिव चला नहीं इसीलिए ये एक और चीज़ एक और चीज़ एक और चीज़ चीज, ये कहकर धीरे धीरे नई नई चीज़ों को पुश करते रहना चाहते हैं आरएसएस को लेकर इनका विशेष हेटरेड है क्योंकि देखिए भाजपा को लेकर ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं इनको जाना है बेस में और फिर इस डॉक्यूमेंट्री में इस तरह से इक्वेट किया गया है कि आरएसएस की स्थापना भी उसी वक्त हुई थी जिस वक्त नाजीवाद और फांसीवाद जो है इटली और जर्मनी में शेप ले रहा था तो केवल मतलब उसी समय में एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है केवल उस एसोसिएशन के कारण इनको जो है नाजीवादी और ये बो, बोला जाता है फांसीवादियों ने डिक्टेटर्स ने कितनी हत्याएं की वो बता दें अगर राइज उसी वक्त हो रहा था तब तो आरएसएस वालों को पावर कैप्चर कर लेना चाहिए था भारत में यूरोप में जब वो कर सकते थे और तुम केवल और केवल कि उसी 1920 के लगभग में यूरोप में जिस तरह से फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हो रहा था तो उसी वक्त भारत में आरएसएस चल रहा था तो भाई यूरोप में तो उन्होंने सत्ता पा ली क्या भारत में आरएसएस ने सत्ता पाई भारत में आरएसएस समर्थित भाजपा को सत्ता पाने में कितने वर्ष लग गए उन्नीस मतलब आप नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में जाकर भाजपा को सत्ता मिलती है और वो भी किस तरह से जोड़ तोड़ के गठबंधन की सरकार बनती है 2014 में जाके आप कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव मेजॉरिटी मिलती है भाजपा को तो जब फांसीवादी और नाजीवादी थे आरएसएस वाले तो उनको 1940 में या 1930 में सत्ता क्यों नहीं मिल गई जैसे हिटलर को मिल गई थी ये प्रश्न तो बताना चाहिए बीबीसी वालों को इसीलिए इनको बिग बी कहते हैं या ब्रिटिश बास्टर्ड प्रोपगेंडा चैनल या इस तरह से कुछ इनका नामकरण होना चाहिए ये लोग क्या बोलेंगे और सही बात है कि इनको तो इनके जो पत्रकार थे उसको उस पर तो थूक दिया मोदी ने कहते हुए कि भाई तुम क्या मतलब ब्रिटिश वाले जो है हमें वो मानवाधिकार सिखाएंगे क्या तो ये आरएसएस को हमेशा बिना प्रूफ के कि केवल नहीं ये देखो इनका सल्यूट ऐसे होता है नाजी का मतलब यही सब कर कर के कल को कह देंगे कि नहीं उनके शर्ट का रंग भी सेम है जो हिटलर ने एक बार पहना था इसी कारण वो आ, नाजी हो जाएंगे जितने नरसंहार नाजियों ने किए हैं हिटलर ने करवाया क्या आरएसएस ने ऐसा करवाया है भाजपा ने ऐसा करवाया है कोई कंसंट्रेशन कैंप लगवा दिया ढाई करोड़ तो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसे पड़े हैं कभी सुना है कि उनको जो है कंसनट्रेशन कैंप में डाल के गैस चैम्बर में डाल के मार दिया उनको नहीं करते ऐसा क्योंकि उस तरह की नीति कभी नहीं रही है आज भी आरएसएस को गाली हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि तुम जो है बोल रहे हो कि तृप्तिकरण करना चाहे वो डी एन सेम है हर दिन मोहन भागवत को गाली पड़ती है तो किसको तुम कहाँ पर इक्वेट कर रहे हो यही होता है ना कि गोरे लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा स्किन जो है उजला है हम बैठ के जो है वहाँ पे बैठ के जो मतलब उटियापा चलाएंगे वो वो भारत में लोग जो है बाप अरे बाप रे गोरे साहब ने बोला अंग्रेजी में बोला वो भी एक्सेंट के साथ तो सही ही बोला होगा तो वो अब नहीं चलेगा उसके दिन जो है लद चुके हैं अब प्रश्न आता है कि क्या यह वास्तव में भाजपा को या नरेंद्र मोदी की छवि को कोई क्षति पहुंचा सकता है उत्तर है नहीं यह उसी तरह से बैकफायर करेगा जिस तरह से शौर्य नाम की फिल्म आई थी जिसमें के के का डायलॉग था लास्ट में कि उनका प्रोपेगेंडा इस तरह से था कि भारतीय सेना को दिखाना था कि वो आतंकी हैं उसमें ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं और वो राठौर जैसों की फौज बनाते हैं और कौम का सफाया करने चले लोगों ने उस उस प्रोपोगेंडा को नहीं लिया लोग जो है के के का लास्ट वाला स्टेटमेंट लेते हैं और बोलते हैं ये आतंकी हैं आतंकियों के पिल्ले हैं इस तरह का स्टेटमेंट और वो वाला मीम चलता है मीम नहीं वो सच्चाई है एक तरह से उसने जो बोला है वहाँ पे क्यों इतना रेजोनेट करता है लोगों के साथ क्योंकि उसने सत्य बोला है तो उसी तरह ये डॉक्यूमेंट्री जब आप दिखाएंगे तो जो हिंदुओं का जो समूह है जो फेडअप हो चुका है इस तरह के स्लैंटेड नैरिटिव से वो तो चाह रहे हैं कि हमें तो भैया मोदी का वही रूप चाहिए जो 2002 में था ये मोदी कहा दाढ़ी बना के अरविंदनाथ टेगोर बना फिर रहा है हमें तो वो चाहिए मोदी जो सीधा बीबीसी के रिपोर्टर को बोलता है ये कहा गार्बेज लेके आए हो तुम तो, और उसके सामने उसको मॉक कर रहा है उसके सामने हंस रहा है अपने अब आप, मतलब मैं चाहूंगा क्लिप यहाँ पे लगे और आप देखिए कि ये होता है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो हेड ऑफ स्टेट है मैं गुजरात स्टेट की बात कर रहा हूँ वो किस तरह से प्रोपोगंडावाज़ों को एजेंडावाज़ों को प्रपंची पत्रकारों को किस तरह से उनकी ही भाषा में जवाब देता है और वो उसका मॉकिंग टोन मोदी का ही इज ट्वाइंग जिसको बोलते हैं ना आपने अगर बंदर और सांप की लड़ाई कभी देखी होगी तो वो पंजे में लेके सांप का थुथुन जो है वो रगड़ देता है धरती में फिर छोड़ता है सांप छटपटा -छट भागता है फिर उसको पकड़ के फिर रगड़ देता है तो मोदी वही कर रहा था और <laughs> ये अपेक्षा करना कि ये डॉक्यूमेंट्री देख के मोदी की छवि खराब हो जाएगी मोदी की छवि को तो इससे एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट इन धार्मे मोदी तो ऐसा था तो बीबीसी वालों को तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के फुटेज लेके आए जो उपलब्ध है नहीं और आप देखेगा कि आने वाले समय में इसका कितना मीम बनेगा या इस फुटेज का या इस तरह के क्लिप्स का कितना प्रयोग ये लोग आगे करेंगे जब बीबीसी वाले डॉक्यूमेंट्री का आप टोन देखेंगे कि एक मतलब मरा हुआ जैसे जो भी वॉइस ओवर दे रहा है उसका बाप मर गया है इस टाइप का मरियल आवाज़ में वो कि नहीं वायलेंस हो गया और उसमें जो सफिस्टिकेटेड वकेबलरी होती है वामपंथियों की जिसमें वो आपको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं जिसमें वो बोलेंगे कि एथनिक क्लेंजिंग पॉग्रोम जेनोसाइड और इस तरह के शब्दों का विशेषणों का प्रयोग जो नकारात्मक हैं और बहुत ही सॉफ्ट टोन में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं भाई भारत का हिंदू अब उस बुलशिट को लेना छोड़ चुका है कि हम जो है अपराध बोध में चले जाएंगे गिल ट्रिप पे चले जाएंगे अरे बाप रे अंग्रेज़ बोल रहा है यार एथनिक क्लिंजिंग हो गया एथनिक क्लिजिंग उसको नहीं कहते हैं आज भी गुजरात में वहाँ पर मुसलमान हैं क्लिनजिंग नहीं हुआ है क्लिंजिंग कहते हैं जो कश्मीर में हुआ था सौ प्रतिशत से एक प्रतिशत पे आ गई हिंदू जनता उसको कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग उस पर कभी कुछ बोल के और यही प्रश्न जब हिंदू पूछने लगा है यही प्रश्न जब आप कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है जो कि दोबारा से री रिलीज हुई है जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे जाके देखें उसे तब हमें पता चलता है कि इस तरह के जो एक फिल्म है उसको डॉक्यूमेंट्री मान रहे हैं लोग और एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट्री ही है तो जब जो जनता इस तरह के संदर्भों में देखती है चीज़ों को जो नई जानकारियों को लेती है पढ़ती है समझती है देखती है और उसके बाद विवेचना करती है उसको तुम ये बुलशिट प्रोपगेंडा जो है वो वो देकर जो है चरा नहीं सकते अब हिंदू जो है इस तरह की मतलब क्यूटियापंथी को जो है वो स्वीकारता नहीं है मोदी ने एक मैं चाहूंगा कि ये, ये क्लिप आप देखें ह्यूमन राइट्स के ऊपर मोदी जी क्या बोल रहे हैं। is, यहां पे जो बोला है जिस तरह से वी नो वॉट ह्यूमन राइट आर एंड ब्रिटिशर्स कैनोट टीचस ह्यूमन राइट जो राष्ट्र अपने कॉलोनियल पास्ट को डार्क कॉलोनियल पास्ट को अपने इतिहास के पुस्तकों में नहीं पढ़ाता वो राष्ट्र जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है जिसके चर्चिल ने मतलब तीन से आठ लाख लोगों की हत्या करवाई बंगाल फेमिन जो हुआ था और बंगाल फेमिन तो एक बड़ा नाम है ब्रिटिश के कारण जो हमारा अनाज चुरा के हमारे संसाधन चुरा के ले जाते थे कई ऐसे अकाल पड़े थे राष्ट्र में जिसके कारण लोग भूख से तड़प तड़प कर मरे प्यास से तड़प कर मरे तो ये लोग क्या मतलब सिखाएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है आज तुम ह्यूमन राइट्स के कस्टोडियन बने फिरते हो अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व में इसको लेकर रिएक्शन किस तरह का है उससे पहले एक प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटेन का लोकस क्या है ना तो वो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान साला एक बार बोले इस पर और जो बोलते रहते हैं तो समझ में भी आता है कि उनको कौम और उम्मा की चिंता है ब्रिटेन का इसमें क्या है मतलब किस हिसाब से उसकी स्टैंडिंग है क्या वो आज तक मानता है कि वो जो है इन द नेम ऑफ द क्वीन उसी के नाम का सिक्का यहाँ पे भारत में चल रहा है और हमारे जो है गांधी जी जो चाह रहे थे कि यूनियन जैक जो लगा रहे हमारे तिरंगे पे तो क्या वो उस कुमारी में है तुम किस आधार पे कैसे तार जोड़ रहे हो हमारे देश के एक दंगे में 2002 से पहले दंगे नहीं हुए क्या भागलपुर में क्या हुआ था और भारत के किस रा, मतलब राज्य में दंगे नहीं हुए थे सब में या तो कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी या फिर कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी उनके ऊपर क्यों नहीं होता है कुछ नवासी नब्बे में जो कश्मीर में हुआ उस पर क्यों नहीं तब पता चलता है कि नहीं तुम्हारा एजेंडा वो है ही नहीं तुम्हें बस जो एक व्यक्ति भारत की दिशा तय कर रहा है उसे जो है रोकना है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जाने से रोकना है भारत की छवि इतनी खराब कर देनी है कि जो वोक लोगों का समूह है वो बोले कि तो आप भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हो जहाँ मोदी पीएम है और जहाँ मोदी पीएम रहने वाला है तो जो एक आर्थिक रथ यात्रा भारत की चल गई और रथ कौन सा है भगवान जगन्नाथ जी वाला कि उसको मतलब उसको आप रोक नहीं सकते वो एक बार चल गया तो चल गया तो इसमें ये लोग चाहते हैं कि स्पोक में जो है डंडा डाल के रोकने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन वो इतना बड़ा रथ है कि तुम्हारे प्रपोगंडा का वो डंडा जो है वो चलेगा नहीं वो डंडा टूट के तुम्हारे दोनों जेबों के बीच में कहीं पे चला जाएगा बीबीसी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना रहे बीबीसी नहीं ये इस्लामो फास मतलब ये जो इस्लामो लेफ्टिस्ट का जो ये ये पूरा नक्सलियों का ये जो समूह है जो वृहद मतलब संदर्भ में आप देखें कि किस तरह से लगातार ये ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ टॉर्चर ये लोग मतलब बौद्धिक टॉर्चर कर रहे हैं लोगों का इस तरह के बुलशिट प्रोपगंडा को ला ला करके भारतीय मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको वो, वो भी कह दिया कि आपने प्रश्न पूछा है तो हम एक तो इंडियन एम को इस पर तो बोलना ही नहीं चाहिए था कुछ भी बोलने की मतलब आवश्यकता नहीं थी सीधा एक लाइन में बोल देते थे वी नॉट डिग्निफाई दिस प्रोपगेंडा विथ रिस्पॉन्स ये सीधा एक लाइन में होना चाहिए था फिर भी वहाँ पर बोल के कि हमने देखा है और हमने पाया है इस तरह से बोला फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है कि ये प्रोपोगंडा है न, 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 Uh, मेरी uh, मानी जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत को कुछ भी कोई भी रिएक्शन देने की आवश्यकता थी इस पर सीधा बोल देते कि पास करो ये हम नहीं देखने जा रहे पी आई ने जो पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन है या जो लॉर्ड हैं कुछ वहाँ ब्रिटेन के संसद में अपर हाउस में तो उन लोगों ने भी बोला है कि भाई ये क्या कर रहे हो इस तरह की चीज़ से तुम भारत और ब्रिटेन के संबंधों को

for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK Government's position on this has been clear and long standing and, and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the Honourable Gentleman has put forward. तो ऋषि सुनक ने एक लाइन में आप देखिए कितने स्पीड से और इसको कहते हैं आउटराइटली डिसमिस करना कि ये बकवास है इसको भाई बंद करो इस पर हमारा पोजीशन क्लियर है और हम नहीं मानते मतलब जिस तरह का चरित्र चित्रण आप करना चाह रहे हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं उसको हम कम्प्लीटली जो है उससे एक भी प्रतिशत हम एग्रीमेंट में नहीं है अब हम जरा सी बात करेंगे जैक स्ट्रॉ पे यह आदमी है कौन यह आदमी वो है जिसने 2003 में जो इराक वॉर हुआ था अमेरिका ने जो लॉन्च किया था उसमें ब्रिटेन की जनता को समझाया कि नहीं नहीं एकदम सही युद्ध है हमें इसमें भाग लेना चाहिए और बाद में ये बोलता है कि नहीं मैं चाहता तो उसे रोक सकता था लेकिन मैंने रोका नहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो आज तक मिला नहीं ये सारी चीज़ें और जब 2017 में इसके ऊपर एक केस चला था कि क्राइम ऑफ एग्रेसन जब तुम्हें पता था कुछ मिला नहीं वहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें झूठ साबित हो गई तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने केस किया हुआ था तो यूके की कोर्ट ने माना कि ये क्राइम ऑफ एग्रेशन तो है कि, कि किसी दूसरे राष्ट्र पे आपने हमला किया है लेकिन यूके में वो लॉ नहीं है इंटरनेशनल लॉ में है कि ये एक क्रिमिनल बात है जिसके लिए इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन यूके में यूनाइटेड किंगडम में वो लॉ नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं इसलिए इसके ऊपर केस नहीं चल सकता उसके बाद इससे जब 2009 में ही इराक वार को लेके कागज मांग मांगे गए कि भाई आप लोगों की क्या चर्चा हुई थी वो सार्वजनिक होनी चाहिए तो ये व्यक्ति उस वक्त उस पोजीशन में था कि इसने वीटो का प्रयोग किया और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है जैसे हमारे यहाँ आर एक्ट है तो इसने उस बात को दबा दिया कि वीटो हम दे रहे हैं ये बात हम ये कागज़ ये बातचीत जो है वो सार्वजनिक हम करने नहीं देंगे तो ये जैकस्ट्रॉ है इसने लिबियन पॉलिटिशियन एक था उसको एम के साथ पकड़ के सिंगापुर या हांगकॉन्ग से कहीं से उठाया था उसको टॉर्चर किया था ये भी इसके ऊपर केस है बताइए कि आप दूसरे राष्ट्र के किसी पॉलिटिशियन को उठा के उसको जो है लगातार टॉर्चर कर मेंटल टॉर्चर नहीं फिजिकल टॉर्चर उस पर भी केस हुआ था यूके में इस तरह की चीज़ों का है और एक इसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट में लॉबिंग के लिए ये साठ हजार ब्रिटिश पॉन्ड लेने के लिए चैनल फोर और टेलीग्राफ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें भी ये आदमी फंसा था किसने लेना स्वीकारा था कि उसके साथ हम लॉबिंग करेंगे बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और यह कह कहकर इसे छोड़ा गया कि जिस कंपनी के नाम से ये पैसे लेने की बात कर रहा था वो कंपनी एक्चुअल में नहीं है मतलब यहाँ पे ये लोग इंटेंट की बात भूल गए कि ये कम से कम ये शो तो कर रहा था ना कि हम पैसा लेंगे और उसके लिए लॉबी करेंगे तो उसको दरकिनार कर दिया गया कि नहीं वो तो कोई कंपनी ही नहीं थी मतलब कोई एक्चुअल कंपनी होती और वो जाकर करती है और तब ये पैसे लेता तब इस पर चलता तो ये इस तरह का संदिग्ध व्यक्तित्व का स्वामी है जैक्ट्रो और इसकी बातों को उतनी गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए अब बात आती है कि ये होता क्यों है ये ब्रिटेन क्यों कर रहा है ब्रिटेन या कोई भी जो श्वेत चमड़ी वाले लोग हैं उनको लगता है कि आज भी औपनिवेशिक घमंड में ये लोग जीते हैं कि इन पर तो हम कभी रूल किया करते थे ये जो व्हाइट मैंस बर्डन वाली बात आती है कि इन्हें सभ्यता मतलब खुद चौदहवीं शताब्दी तक इनके पास एक ढंग की भाषा नहीं थी आप जान लीजिए कि एंग्लो सेक्शन वॉर्स जब चल रहे थे उसके बाद अंग्रेजी का जन्म होता है इनके पास अपनी भाषा नहीं थी और ये चल रहे थे दुनिया को सिविलाइज करने के लिए हैं जब ये भूखे नंगे मतलब भटक के पत्थरों के बनाए घरों में रह रहे थे नीचे जो है चमड़ा पहन रहे थे और किसी तरह से इनका चल रहा था और आज तक इनको खाने की तमीज़ नहीं है बॉयल वायल करके किसी तरह से ये खाना खाते हैं आज भी उसी हिसाब से ये जो है सभ्यता सिखा रहे हैं भारतीय लोगों को और हमारे इधर के जो अति प्राचीन सभ्यता है इनको तो वही घमंड कि हमारे लोगों से चुरा चुरा कर इनका पूरा विकास हुआ है हमारे संसाधन इन्होंने उठाए हैं उसके बाद इनका अभी तक देश चल रहा था और अब देखिए कि इनका संसाधन कितना साल चलेगा पचहत्तर साल हो गए अब जो है वो संसाधन भी खत्म हो गए तो इनकी ग्रोथ रेट आप देख लीजिए फ्रांस जर्मनी और यूके इन तीनों ने थोड़ा बहुत जो है जर्मनी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है बाकी इंडस्ट्री जो है हिटलर के कारण जो है क्राशवाद की लहर चली थी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे चला तो उनका लाभ इनको आज तक मिल रहा है फ्रांस ने जो डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत की और भी आर में पैसे खर्च किए तो उसकी भी इकोनॉमी ठीक चल रही है यूके की इकोनॉमी तो अब इनका वो किजम के कारण वो नीचे जा रहा है ईयू से इन्होंने ब्रेगजिट लिया है उसके बाद बाकी आप स्पेन में देख लीजिए क्या हाल है ग्रीस का क्या हाल है इटली का क्या हाल है पुर्तगाल का क्या हाल है इन सारी अर्थव्यवस्थाओं की जड़ में हमारा पैसा था हमारे राष्ट्रों का पैसा था जो यहाँ से लूट लूट कर ये लोग ले गए थे तो अब जो है ना इनको लग रहा है कि भाई हमारे सामने हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थे हम इनका नेगेटिव कंट्रोल करते थे ये हमसे आगे कैसे जा रहे हैं ये हमें क्यों डिनाई कर रहे हैं हमें रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि यूक्रेन में हमारे तरफ में तुम खड़े हो जाओ रूस से तुम जो है तेल मत खरीदो तो ये उनके साथ कैसे हो जा रहे रूपी रूबल एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं तो इनके कारण इनकी सुलगी हुई है बीबीसी उसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोपगेंडा आम है जैसे कि हिटलर के लिए था मिनिस्ट्री ऑफ़ प्रोपागेंडा ही वो चलाया करता था बीबीसी और इसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं, सेम है हिटलर जिस तरह से काम करता था फर्जी की फिल्म बनाओ और दिखाओ वही ब्रिटेन जो है वो बीबीसी के माध्यम से करती रहती है अन्यथा इनके पास कोई भी और कारण नहीं है कि वो भारत के एक दंगे को लेकर 21 वर्षों के पश्चात जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है तब ये लोग इस तरह का जो है प्रोपगेंडा डॉक्यूमेंट्री लेकर के आते हैं इनका इतिहास रहा है मैं बता रहा हूँ ना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ब्रिटेन से ऑपरेट होने वाली एक संस्था है मानवाधिकारों के रक्षा के लिए ये एक्चुअल में इनका शेडो एम्बेसी का काम करता था ये जहां जहां से भगाए गए हैं जहां जहां से लूट कर ये लोग चोरी करके जहाँ जहाँ से जो जो इनकी कॉलोनीज थी वहाँ से निकले वहाँ पे इन्होंने एक बैक चैनल एक एम्बेसी टाइप का बना दिया कि ये लोग वहाँ की संस्थाओं को और वहाँ जो इनके चाटुकार बचे हुए थे जैसे भारत में कांग्रेस वाले हैं तो उनको पैसों से या अदर टाइप के फेवर्स से ये लोग मैनेज करते रहते थे एमनेस्टी वालों को भी भारत ने लात मार के निकाल दिया है यहाँ पर उनके ऊपर एफ सी वायलेशंस के कारण छापे पड़े तो अब इनका प्रोपगेंडा आर्म जो है जो एक्चुअल भारत में रह के एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो रह के कार्य क्या करता था जो कश्मीर में क्या एट्रोसिटी चल रही है पीओके में वो वाला ये नहीं बताएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है उस पर नहीं बताएंगे अफगानिस्तान में सिखों की क्या स्थिति है उस पर नहीं बताएंगे पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अ, मतलब हिंदुओं की क्या स्थिति है उस पर कभी नहीं बताते लेकिन भारत में फर्जी का तीन सौ सत्तर हटने के बाद जो है दवाई की कमी हो गई मुसलमान बच्चों को डिटेन किया गया इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाया करते थे तो वो भी जब पुश आउट कर दिया गया अब इनके पास कुछ नहीं है तब ये अपने घर में बैठ के ये सब फिल्में जो है ये रिलीज करके और खुद ही देख करके मतलब तृप्त होते रहते ये उसी तरह से है जैसे कि अमेरिका वाले में वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूसी यू एस करके संस्था है वो जो है रिपोर्ट निकालती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में भारत को रखती है कि वहाँ माइनॉरिटी पे बहुत अत्याचार हो रहा है जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सब पे कभी कुछ नह, नहीं नहीं कहती तो ये प्रोपगेंडा वाले चार पांच संस्थाएं हैं है जो अमेरिका के और यूरोप के माध्यम से उनके बिहार पर इस तरह के कार्य करती है जिनका मूल उद्देश्य होता है कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखाना है भारत की छवि जो है नष्ट करने उसको क्षति पहुंचाना है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना आए यहाँ पे जो एक औद्योगिक क्रांति एक दूसरे आकार में आ रही है चाहे मतलब सॉफ्टवेयर को लेके हो अब हार्डवेयर भी यहाँ पे बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्मूद कर दिया गया है कि अब हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है सब्सिडी के रूप में दे करके हम चाहे माइक्रोचिप सेमी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री हो उसको बूझ देना हो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मोबाइल के कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग तरह के नए नए आयाम जो है वो जुड़ रहे हैं यहाँ पे भारत में तो एक औद्योगिक क्रांति जो भारत में कभी हुई नहीं वो अब आन पड़ी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी है स्टेबल सरकार है ऐसे में ये लोग नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जाती है अब जो उपसंहार में या कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि ये वही है लेफ्टिस्ट इस्लामिक नेटवर्क जो है वो जो नेक्सस है वही यहाँ पे कार्य कर रहा है छवि धूमिल करने का प्रयास है कि मोदी की छवि धूमिल करो तो अपने आप मोदी से जुड़े हुए चीज़ें जो है एक उभरता हुआ भारत एक विकासोन्मुख भारत जो है उसकी छवि बर्बाद हो और वहाँ पे पैसे ना आए उभरता हुआ भारत बहुत लोगों की आंखों में खटकता है उनका सामान नहीं बिकेगा भारत खुद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा भारत दूसरी जगह से पैसे अब लॉकिड मार्टिन या बाकी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर हैं उन लोगों से आने वाले दस वर्षों में हमारा रोड रोड मैप है कि हम उनसे नहीं लेंगे हम खुद यहाँ पे आर एन डी में पैसे लगाएंगे हम यहीं पे बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ें हो रही है तो वो इनको अलग अलग आयामों में भारत की जो स्थिति प्रबल हो रही है हाल ही में ये डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है वहाँ पे भी एक व्यक्ति ने बोला कि आप देख लेना कि अगले 10-20 वर्षों में भारत जो है लीडिंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की और ऐसा नैरेटिव आपको मिल जाएगा जो भी लोग निष्पक्ष होकर वार्ता करते हैं आर्थिक मुद्दों पर वो बताएंगे रघुराम राजन टाइप का आदमी तो ठीक है उसको तो राहुल गांधी में फ्यूचर दिख रहा है और ये लोग हर दिन कुछ बोलते हैं और हर दिन वो गलत साबित होते हैं लेकिन जो सीरियस अर्थशास्त्री है वो बताते हैं कि किस तरह से ये सदी जो है भारत की सदी होने वाली है 2024 चूंकि विरोधियों के लिए एक लॉस्ट काउज है कि उसमें ये लोग नहीं जा सकते हैं अब आप देखिए कि ये 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 जो एक स्क्रोल के लिए या के लिए, लिए लिखती है बैगन या जो भी इसका नाम है उसने लिखा है कि दो के लिए बीजेपी का एजेंडा है मोदी 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 तो क्या होगा राहुल 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 होगा और तुम्हारा भी एजेंडा तो मोदी 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 ही है ना भाई तुम्हें भी चैन नहीं है तुम्हारी सांस जो है मतलब फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है जब तक दो चार बार मोदी का नाम ना ले लो ये लोग तो मुझे लगता है माला लेके जाप वाप करते होंगे मोदी के नाम का तो 2024 में इनको पता है कि ये नहीं जीत पाएंगे नौटंकी जो है अपोजिशन यूनिटी का ये सब का नौटंकी आपको दिखने लगेगा ये लोग आ रहे हैं स्टेज पे अरविंद केजरीवाल और के और बाकी लोग एक मंच में खड़े होते हैं हर आम चुनाव से एक साल पहले जो है दूसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा इस तरह का और महा गठबंधन जो है ठगबंधन ही कहा जाना चाहिए वैसे ये सब बनते हुए दिखता है लेकिन इनको भी पता है कि हर व्यक्ति जो उस मंच पे खड़ा है सबको प्रधानमंत्री बनना है और वैसे भी नहीं भी बनना है फिर भी तुम साथ आकर भी हर जगह फेल हुए हो कहाँ पे जीते हो उत्तर प्रदेश दो बार हारे 2014 2019 दो बार हारे जो भी बड़े बड़े राज्य हैं हर जगह पे जहाँ पे भी इस तरह का गठबंधन बनता है ये लोग हारते ही हैं और अंत में ये एकदम बैकफायर करेगा इससे मोदी की बड़ाई ही होगी मोदी को लेकर के मोदी के समर्थक क्योंकि इसमें तो वही सारी चीजें दिखाई जा रही मोदी के बारे में जो उसके समर्थक को अच्छी लगती है और उसके विरोधियों को बुरी लगती है तो ये तो एक तरह से आग में घी डालने का कार्य तो कर रहे हैं लेकिन वो आग मोदी के समर्थन की आग है जो अभी बैक होम उसके कुछ पॉलिसीज को लेकर और हाल ही में कुछ फेक न्यूज़ चला कि नहीं वो पासमानदा और बोरा मुसलमानों को लेके या मुस्लिम्स को लेके या बॉलीवुड को लेके मोदी ने कहा है कि नहीं इनके ऊपर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ये सब फ़ेक न्यूज़ था जो भी था इस तरह के माहौल बनते रहते हैं और बाकी तृप्तिकरण तुष्टिकरण जो भी चलता है उसको लेकर मोदी की जो छवि जो है थोड़ी सी मतलब आप अगर वो रैंकिंग पॉइंट्स होते हैं एक्सेप्टेंस की रेटिंग क्या है तो उसमें अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है तो ये तो एक बूस्टर डोज है मोदी के लेकिन नहीं बोलेगा अरे हमको तो ऐसा ही मोदी चाहिए लोग तो अब क्लिप को कोट करके ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमें यही मोदी चाहिए एकदम 2002 का मोदी उसको उन्हीं की भाषा में आ, उत्तर देता है तो यही लग रहा है कि ये जो है इनका शौर्य का के के मेनन का लास्ट स्पीच जो है वो वाला मोमेंट है और मोदी को इस डॉक्यूमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा इससे उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं लाइक करें कमेंट करें और जहाँ जहाँ शेयर करते हैं उसको शेयर करें अलग अलग माध्यमों से आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से सहायता कर सकते हैं